यही कहना चाहती हूँ कि तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, मीडिया वालों को और सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि फिल्म का टाइटल है हम ही धरती के लाल, तो उसे समझ में आता है कि एक देशभक्ति फिल्म है। और मैंने अभी तक वन लाइन ही सुना है क्योंकि स्क्रिप्ट पे बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे सर लगे हुए हैं, तो आगे की स्टोरी तो बाद में ही बता पाऊँगी, बट वन लाइन देशभक्ति फिल्म है। सबसे पहले तो मेरे पूरे मीडिया को नमस्कार, और बड़ा अच्छा टाइटल है हम ही धरती के लाल, और एक देशभक्ति फिल्म है। और जैसा कि पूनम जी ने बताया अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, तो फिल्म की जैसे हमने ऑनलाइन सुनी है काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है और मज़ा आएगा हमारी ऑडियंस को। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हिंदी से हैं और भोजपुरी में शुरू कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी जो ट्रीटमेंट और सब चीज़ें जो जैसे नैरेट किया इन्होंने, तो जिस हिसाब से शूट करेंगे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कुछ अलग हम लोग करके देंगे। क्या बोलते हैं सर? सर आपसे हम चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और जो कलाकार हैं अभी आए हुए पूनम जी और गिरीश जी, उनका क्या करना चाहिए सर? प्लीज़ सर मैं क्या क्या करना चाहते हैं सॉरी कलाकार के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो अभी आए हुए हैं कलाकार, तीन कलाकार हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती समय में थोड़ा सा समय हमारे लिए दिया, उसके लिए सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो मैंने इसके पहले हिंदी में बहुत काम किया, भाई साहब के कहने पर क्या हिंदी में कर रहे हो अभी भोजपुरी में आओ, तो मुझे भी भोजपुरी भाषा अच्छी लगती है, बोलना नहीं आती अलग बात है लेकिन अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद है तो बहुत जल्दी सीख भी जाऊँगा, शायद अगली मूवी में भोजपुरी में बात करूँ प्रयास में। और हमें धरती के लाल थोड़ा सा अलग लीग से हट के काम करने की इच्छा थी और आदि के साथ काम करने में मज़ा आएगा इस कॉन्सेप्ट लेके, पूनम के साथ और बड़े भैया हैं हमारे जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है और उन्हीं के माध्यम से हम इस भोजपुरी सिनेमा में एंट्री कर रहे हैं। बाकी सब आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। सबसे पहले मैं अपने मीडिया को नमस्कार, पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा किरदार एक इसमें अमीर कैरेक्टर का है, एक अमीर आदमी हूँ मैं, जो मैं आदित्य जी के फादर के कैरेक्टर में, इसमें मेरा एक यही कैरेक्टर है। आदित्य जी देश की लड़ाई के लिए एक खड़े हैं, अपने देश को बचाने के लिए खड़े हैं, फिर मैं उनको उसमें सहयोग देता हूँ इस ढंग की कहानी। सर आप पढ़ सकिए जो बताइए इस प्रोजेक्ट को लेकर। सबसे पहले यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों को और भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्टिस्ट विकास सिन्हा। जैसा कि प्रोजेक्ट का नाम है हम है धरती के लाल, तो टाइटल से ही पता लग रहा है कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ फिल्म है। और मेरा जो कैरेक्टर इसमें है एसीपी का कैरेक्टर है, शायद नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। सर आप बताइए आप पर चली जाओ कहते हैं। मैं मगन पासी सर कैमरा देख जबलपुर से। तो जो मेरे बेटे फिल्म बना रहे हैं संजू बटा, मुझे इससे बहुत खुशी है। इसमें को प्रोड्यूसर हैं सर आप? हाँ राजेश। मेरा नाम राजेश। हाँ मैं भोजपुरी फिल्म में बहुत काम किया था, अभी फिर से गिरीश शर्मा जो हैं मेरे अच्छे मित्र हैं वो फिर से लाना चाह रहे हैं, और एज ए विलन बहुत काम किया है मैंने। प्रोफेसर का कैरेक्टर है, इसमें एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है तो मैं उसको कर रहा हूँ। और जैसा कि नाम है तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के, तो मैं इसमें कर रहा हूँ। और सब लोग डायरेक्टर लोग सब मेरे लिए बच्चे लोग नए हैं, वैसे मैं इन लोगों का सीनियर हूँ, लेकिन अब साथ में काम करेंगे अच्छा लगेगा। और आदित्य का बहुत नाम है तो मुझे लगा कि जरूर करना चाहिए, डायरेक्टर साहब भी देखते हैं। मुन्ना जी का भी इंटरव्यू लीजिएगा, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे। बहुत ऐसी फिल्म मनोज भी इधर आइए, इस तरफ आइए। इसमें सबसे स्पेशल ये बात है कि आदित्य जी के साथ मैं पहली बार दादा मनोज भैया को बैठे मनोज भैया सबके साथ आपका ऑडियो आ रहा है तो कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहे और मैं अपने तरफ से बेस्ट गाना। सर एक मिनट टोटल सात गाने हैं, गाने कुछ बन रहे हैं कुछ बनने वाले,
एक या दो तारीख से फ्लोर पे जा रही है ना। हाँ, जबलपुर में ही शूटिंग होगी इसकी। जबलपुर में शूटिंग होगी। हालांकि मैंने जबलपुर में, मैं बता दूं, इनकी मैं पहली फिल्म भी अजय विलेन किया है, हिंदी फिल्म, तभी हमारी दोस्ती इनसे हुई, तभी मैंने इनको भोजपुरी में लाया कि आप आओ। हम जबलपुर में, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, हमने मैया नर्मदा के किनारे जो शूटिंग किया था, और इत्तफाक से ये लोग पोलिटिकल भी हैं, तो उस फिल्म को एज ए मुहूर्त शॉट करने के लिए आए थे ईश्वरदास रोहिणी जी, जो आज अंतकाल कर गए हैं, और विधानसभा के उस समय वर्तमान में अध्यक्ष थे 10-12 साल पहले, तो उन्होंने इनका मुहूर्त किया था, तो काफ़ी इनका लिंक है, सरकार में भी ये लोग हैं, तो हमारी एक इच्छा हुई इनसे कि आप तो हिंदी बना ही रहो, आप भोजपुरी फिल्मों में आओ, तो हमारी बात को इन्होंने स्वीकार किया। सबसे बड़ी संजीव जी धन्यवाद के काबिल हैं, हम यही कहेंगे कि भाई हमारी बात को माना इन्होंने, आप इस इंडस्ट्री में आए, आज इनकी वजह से एक अच्छी फिल्म आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये भी बहुत एक महत्व रखता है, और ऐसे माने हम लोगों की जोड़ी बनी रहेगी, इसमें तो दो मत है नहीं, क्योंकि घरेलू टर्म है ये नहीं, इनके पिताजी और मम्मी मुझे इनसे ज़्यादा मानते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं हमको पंडित जी बोलते हैं कि आप पंडित जी के शरण में जाओ, वही आदमी तुम्हारा काम करवा देगा, इतना भरोसा इनको। तो सबसे बड़ी चीज़, मैं एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, मैं हूँ बेबाक इंसान, इन्होंने जब पैसे की बात हमसे की तो मैं बोला आपने इतना मुझे सम्मान दे दिया कि पैसा कम पड़ गया, मैं सम्मान का भूखा हूँ, तो इनके घर से मुझे इतना सम्मान मिलता है, तो आगे भी लगता है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग फिल्म बनाएंगे, और वहाँ की सरकार से भी इनकी बातचीत चल रही है, तो ऐसी कोशिश है, तो हम लोग आगे भी फिल्म जबलपुर में बनाएंगे, उस खूबसूरत लोकेशन को भोजपुरी सिनेमा में लाएंगे। पूनम जी, आदित्य जी के साथ पहला प्रोजेक्ट था, पहले भी आपने किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आदित्य जी के साथ काम कर रही हूँ, और उम्मीद है कि हमारी जोड़ी दर्शकों को पसंद आएगी, हम तो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी सब आपके हाथ में है, डायरेक्टर सर के हाथ में है। और पूनम जी, जो पेयरिंग होती है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश जी और अमरपाल जी की पेयरिंग है, और अंशा जी, पवन जी की, या फिर खेसारी जी और काजल जी की पेयरिंग, कितना समझते हैं, कितना जरूरी होता है कामयाब होने के लिए, लोग कितना पसंद करते हैं पेयरिंग को? आपकी पेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, तो किसके साथ? एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेयरिंग, मुझे किसी जोड़ी बनाने में पसंद नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसी ख्वाहिश है कि किसी के साथ जोड़ी बनाऊं। मेरा जो गाना जिस एक्टर के साथ, जो फिल्म जिस एक्टर के साथ पसंद आएगी जिस टाइम, वही बेस्ट जोड़ी होगी। क्या बात है, सेम चीज़, जोड़ी के साथ क्या होता है, एक इंसान बंध जाता है, फिर उसके साथ ही बैक टू बैक फिल्में करना पड़ता है, इसलिए हम चाहेंगे कि हर एक्टर के साथ काम करें। हाँ, पूनम जी के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हमारा पेयर भी लोगों को पसंद आए, और जिसके साथ काम करें ऑडियंस को उसमें एक एक्टर देखे कि नहीं यार ये बंदा है या ये बंदी हर पेयर के साथ फिट है, तब वो एक कलाकार है, तब उसे काम करने में मज़ा आता है कि ऑडियंस को हर बार कुछ नया दिया जाए। और ये भी कहते हैं कि इतनी पॉपुलरिटी बढ़ गई भोजपुरी आर्टिस्ट की, अभी देखिए हाल ही में बिग बॉस में गए थे खेसारी जी, उसके बाद रानी जी गई थी खतरों के खिलाड़ी में, तो आपका कोई ऐसा रियलिटी शो में जाने का प्लानिंग है, या अट्रैक्ट करता है आपको, आकर्षित करता है रियलिटी शो कोई भी? जी, मैं बिग बॉस, मतलब कंट्रोवर्सी वाले शोज़ में नहीं जाना चाहती, और अगर मुझे अच्छे सीरियल्स के ऑफ़र आएंगे तो डेफिनेटली मैं करूँगी, बट मैं कंट्रोवर्सी वाले शोज़ नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही सीरियल है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, मेरी स्टार्टिंग सीरियल से ही हुई, मैंने काफ़ी कैमियोज़ किया, हमारी देवरानिया स्टार प्लस के लिए लीड ट्रैक किया, पर सिर्फ एक खतरों के खिलाड़ी ही है जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें कभी जाऊँ, और इन फ्यूचर देखिए, लेट्स सी, बाकी कोई ऐसा विवादों वाला फिल्म नहीं, कोई सीरियल नहीं, खतरों के खिलाड़ी के लिए मैं इन फ्यूचर ट्राई कर सकता हूँ। और पूरा जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, उसके बताइए क्या करना चाहेंगे, उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे, उसमें हिस्सा करना चाहेंगे उस चीज़ का, वेब सीरीज का खासकर? अगर अच्छी कॉन्सेप्ट पे वेब सीरीज़ मिली जो मैं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुल के देख सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बाकी मुझे वेब सीरीज़ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, वेब सीरीज़ की वजह से आजकल सिनेमाघर से लोग दूर हो रहे हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि सिनेमा घर ही जो होता है अट्रैक्ट करेगा लोग को आगे चल के, व्यूअर्स को? हाँ जी, हर चीज़ एक दौर आता है और कुछ दिन में वो चला भी जाता है, तो अगर अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज ऐप हैं जिसपे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वेब सीरीज के नाम पे लोग अश्लीलता ही समझ रहे थे, इसकी वजह से हमने भी बहुत सारे वेब सीरीज हैं जिसको नकार दिया क्योंकि पसंद नहीं है, और अच्छे जैसे कि अभी स्कैम 92 आया था, वैसी वेब सीरीज अच्छी ऑफर हुई तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। गिरीश जी, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, वेब सीरीज को लेकर? या नहीं, मैं तो वेब सीरीज के बारे में ही कहूँगा कि जो अश्लीलता है वो खत्म होनी चाहिए, वो गंदा लगता है,
तो इस ढंग से वो ख़त्म होनी चाहिए, बढ़िया वेब सीरीज बने जो जैसे माँ बेटे के पिता पुत्र के रिश्ते पे भी तो वेब सीरीज बन सकते हैं। तो एक अश्लीलता की जो होड़ हो गई, हालांकि सरकार अभी इसमें कदम उठा रही है, न्यूज़ में मैंने देखा है, तो अभी अच्छी बात है। गंदा वेब सीरीज मैं भी नहीं चाहता। अश्लीलता का आरोप तो हमेशा भोजपुरी पे भी लगता है। नहीं, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। देखिए हमारी टाइटल ही आपको बता रही है, लेकिन हमारे यहां सेंसर, अगर डायरेक्टर कोई क्रिएट करता है या राइटर कुछ लिखता है या मुझे कुछ मिलता है तो हमारे ऊपर सेंसर है, फिल्म में सेंसर है। अगर सेंसर अगर ए सर्टिफिकेट देता है तो हॉल में ए वाले ही जाएंगे देखने के लिए, ऐसे तो कि छोटे बच्चे चले जाएंगे उनको एंट्री मिल जाएगी। तो सेंसर है, सेंसर के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। अगर गलत है तो वो कट जाता है। और अश्लीलता तो कहीं हमारे यहाँ से ज़्यादा बॉलीवुड में है, चश्मे के ऊपर एक कवर लगा कर रखे हैं कि हॉलीवुड है, निकालते हैं भोजपुरी। पूनम जी, भोजपुरी में की वर्तमान स्थिति क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब विवादों से रोज कॉफ़ी एजुकेशन, अगर इसमें शिक्षा होती तो ये अपने घर के भीतर की लड़ाई को बाहर पब्लिसिटी के लिए नहीं डालते। मैं उन सबको महामूर्ख मानूंगी जो अपने पर्सनल विवादों को ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। मैं उन सब सुपरस्टार एक्टर हो एक्ट्रेस हो सबका मैं घृणित निंदा करती हूँ। अगर आप किसी से आपका विवाद है, मेरा आदित्य से, तो मैं पर्सनली आदित्य को बोलूँगी, ना कि हमारे मीडिया के सामने, हमारे ऑडियंस के सामने बोलूँगी। ऑडियंस की नज़र में आप सब इक्वली हैं। उसके वजह से क्या हो गया है कि अभी डिवाइड हो गए हैं, उनके फ़ैन अलग गालियाँ देते हैं, उनके फ़ैन अलग गालियाँ देते हैं। आप अपनी पर्सनल लड़ाई को यहाँ ऑफिशियली क्या बोलेंगे इसको, मीडिया में और पब्लिकली ला करके उसको गंदगी फैला रहे हैं। आप कहते हैं ना कि आप घर के बंटवारे की, घर की लड़ाई झगड़े को पब्लिकली करोगे तो वह सब गाली खा रहे हैं। लेकिन वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं क्योंकि डिसलाइक भी, चुप रहो, डिसलाइक भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी का स्टंट है, आप मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन वो डिसलाइक किस काम का जिसमें एक को गाली मिल रही है? लेकिन आपकी सोच है। जी, हमारी सोच इंडिविजुअली नहीं है सर, ऐसे बहुत लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी सुपर पर्टिकुलर किसी सुपरस्टार के फैन दूसरे सुपरस्टार को गाली दे रहे हैं, दूसरे सुपरस्टार हो रहा है, तो वो गलत है। जैसे आप कोई आजकल वो है, जैसे पीआर नहीं है ये, अपना ये रिपोर्टर नहीं है, कोई आर्टिस्ट आजकल हर कुछ, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मना कर रहा है। हां, इसको रिपोर्टर की फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी, मतलब यही चीजें हैं। नहीं, मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोगों में कुछ मनमुटाव है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको पर्सनली पर्दे के पीछे कर लीजिए। हमारे नजर में ये होगा, अरे यार हमारी बात छोड़ो, इनके घर में भी मनमुटाव है। मेरी नजर में यही आ गया कि आप लोग कॉम्पिटिटर है। नहीं, वो आप ओपिनियन देंगे तो पता चलेगा ना। हमारी नजर में तो ये आ गया कि भाई इन लोग में विवाद चल रहा है, जब इनमें एकता नहीं है तो हम क्या एकता इनसे क्या सीखेंगे। तो आप एक जो हीरो होता है, जस्ट अ मिनट, एक हीरो होता है, हीरोइन होता है, वो रोल मॉडल होता है। आप अपने ऑडियंस के सामने, अपने पब्लिक के सामने एक अच्छा फेस प्रेजेंट कीजिए जिससे लोग उसे फॉलो कर सकें। Yes, that's it. Thank you. आपने इतनी हिंदी फिल्में की है, भोजपुरी में आने का क्या इरादा है? इतनी नहीं, मतलब ऐसे चीफ असिस्टेंट बहुत फिल्में की हैं, और 2012 में मैंने जय नर्मदा मैया बनाई थी। नर्मदा जी के ऊपर बनने वाला इस हिंदुस्तान के अंदर इकलौता प्रोजेक्ट है। इसके पहले बहुत लोगों ने कोशिश की, जहाँ तक मैं गिनती जानता हूँ तो 10 से 12 लोगों को, बड़े लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्रयास किया कि नर्मदा जी पे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, ठीक है। और जब भी वो शुरू हुआ है, जाने अनजाने वो बंद ही हुआ है, क्यों हुआ है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माता जी की बड़ी असीम कृपा रही मेरे ऊपर कि मैंने ये प्रोजेक्ट उठाया, बनाया, कम्प्लीट किया, रिलीज़ किया, बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ। लेकिन जहाँ तक गिरीश भैया की बात है, उन्होंने मेरे साथ हिंदी किया तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी करो, अभी मैं भोजपुरी में हूँ, तुमको पूरा प्लेटफॉर्म देता हूँ, इधर आओ, एज ए टेक्नीशियन अच्छे वर्कर हो, हार्ड वर्कर हो, काम कर सकते हो, चल पड़ा। बड़े भैया ने बाकी बदला दिया, क्या रिलेशन है मेरे। यहाँ पे चार आर्टिस्ट है, आदित्य जी, पूनम जी, गिरीश जी और साथ में नए वाले भाई साहब, चारों फिट और हिट लंबे जो है। राजेश जी भी हमारे आर्टिस्ट हैं, पोस्टर में लगा राजेश जी हैं, विकास जी हैं, इनका परिचय करा दूं। क्या है इसका, सब लंबे चौड़े हैं, मतलब इसके राज के बारे में क्या बोलूंगा, ये लंबे चौड़े, इसमें मेरी गलती नहीं, कहानी देख रहे ना, हमें धरती के लाल, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेक्टराइजेशन, मैंने जो करेक्टर चुने तो मेरा व्यू यही रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर करेक्टर परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि ए, हमने देखा कि भैया है तो उनको ले लो, भैया के भैया है तो उनको ले लो, नहीं, ओपन है ना,
और हमारे पास चुनने की क्षमता है, हमने चुना, हमें ऐसा लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए। अब रही बात आगे की, तो इस काम के बाद बताऊंगा और आप ही लोगों को बताऊंगा, किसको बताऊंगा। फिल्म कब से शूट करा और कहां शूट करा? 1 अप्रैल से जबलपुर में पूरी शूटिंग 100% जबलपुर स्टार्ट टू फिनिश। जी कब तक दर्शकों के सामने आएगी? 2.5 महीने 2.5-3 महीने के अंदर। कोशिश है 15 अगस्त तक रिलीज करने की। वही वही, और हो सकता है उससे जल्दी भी कर दें, तो डिपेंड करेगा पोस्ट प्रोडक्शन बारिश में। जून तक आप सभी का आशीर्वाद चाहिए बस। आया हूँ भोजपुरी में, हाथ रखिए मेरे सर पे। क्या सर आपके और कौन से कौन से प्रोजेक्ट अभी रनिंग में? अभी रनिंग में मैंने दूल्हा कंप्लीट किया, उसके बाद अभी मेरी काजल काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई थी, हिट हुई थी, उसका म्यूज़िक काफ़ी हिट हुआ था ब्रज सर के साथ, उनके साथ भी मेरी एक प्रोजेक्ट चल रही है बात, तो उससे जुड़ल से नैया है, अभी मिसाल खिलाड़ी है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में, और फिलहाल तो सबसे उम्मीद मुझे इस प्रोजेक्ट से है। और मुन्ना जी के साथ काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रहा था काम करने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई से कि जैसे मेरी काजल ब्लॉकबस्टर म्यूज़िकली हिट हुई, वैसे ये फिल्म भी म्यूज़िकली काफ़ी हिट हो और कुछ इतिहास हम लोग फिर से बनाएं। गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं। मुन्ना भैया ने अभी तक म्यूजिक पे जितनी मेहनत की है हमें माटी के लाल के लिए, कमाल की है, कमाल का गाना हम लोग सुने हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। पहली बार मुलाकात हुई, पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक पे मतलब बहुत काम किया मैंने भी, म्यूजिक सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भोजपुरी म्यूजिक मुन्ना भाई के साथ बैठा हूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट मेरा था इन्होंने जो उसको परफेक्ट लिखा है और जो म्यूजिक दे रहे हैं, दावा करता हूँ हिट होगा। बहुत बढ़िया, मेरी मुन्ना जी से मेरी जब म्यूजिक पे मीटिंग हुई तो बहुत बढ़िया, उन्होंने देशभक्ति का गाना उन्होंने बहुत बढ़िया सुनाया, एक लव सीक्वेंस का भी गाना सुना बहुत बढ़िया उन्होंने, क्या कि मैं तो म्यूजिक का थोड़ा जानकार हूँ, तबला से एमए हूँ, बीएचयू से हूँ भी, तो उन्होंने बढ़िया ताल जो कहरवा ताल है, चलती कहरवा जो हिट होता है, उस ढंग के उन्होंने गाने बनाए हैं, तभी तो मैं मुन्ना जी से मिलवाया, सबसे बड़ी बात तो ये, मिलवाने वाला तो मैं ही हूँ। अगर उनके अंदर से मेरी आने वाली फिल्में हैं, अभी मैं यश जी के साथ मानेंद्र कुमार जी की फिल्म करने जा रहा हूँ नेक्स्ट महीने से, जिसमें मैं एक अलग भूमिका में हूँ, अब बाद में बताऊँगा जब वो मुहूर्त होगा तब, एक अलग भूमिका में, शायद आप सोचे नहीं होंगे मैं उस भूमिका में हूँ, 5-6 तारीख को उनकी मुहूर्त होगी। फिर प्रमोद प्रेमी के साथ करने जा रहा हूँ 15 अप्रैल से इनके शूटिंग के बाद, उसके बाद 25 से मेरा डेट है यश जी के साथ, फिर मैं 9-10 तारीख से राकेश जी के साथ अपने बिहार में शूटिंग करूँगा। इस ढंग से भोजपुरी में कहीं ना कहीं वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, गाइडलाइंस भी आ गई हैं? अच्छी बात है, सब कोई अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको उसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा, काम करने का तरीका होगा, और गाइडलाइंस के अंदर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कंटिन्यू बिजी हैं, काम कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। एक कलाकार अभी थिएटर का जो हालत है, अभी थिएटर 1-2 महीना और जाएगा ओपन में, तब तक कुछ ना कुछ तो करते रहना है, तो अगर डिजिटल का आजकल अच्छा ज़माना है, डिजिटल में अच्छे इनकम भी हो रही है और डिजिटल अच्छा परफॉर्मेंस है, आज जितने लोग बिना बात के भी आ जा रहे हैं लाइव, ये सब डिजिटल की वजह से हो रहा है, तो डिजिटल पे अगर चल कर रहे हैं OTT के लिए तो इट्स गुड, और वेब सीरीज भोजपुरी में भी बन रही है और अच्छे लेवल पर बन रही है, तो बननी चाहिए। थैंक यू सर। इसमें मैं बता दूं, सागर जी भी एक गाना लिखे हैं, मुन्ना जी के 6 गाने हैं, एक गाना सागर जी का, पूरा नाम क्या आपका? सागर परदेसी। आप आइए ना, आप इधर आइए, आप आइए कैमरे के सामने आइए, अभी सिचुएशन इनको नहीं दिए हैं, लेकिन एक गाना ये लिख रहे हैं, इनसे एक बात, मुन्ना जी ने 2 गाना हमें सुनाया, दोनों गाना बहुत बेहतरीन, देशभक्ति का तो जवाब ही नहीं है, शायद याद हो तो 2 लाइन अगर आप अभी सुना देंगे तो कल रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड नहीं है? हाँ कोई बात, तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे खरीदेगा? अभी सागर जी के साथ मैं एक और पिक्चर करने जा रहा हूँ, 15 से 15 हम लोग शूट पे जा रहे हैं, प्रतिशोध नागिन का, राइट, यही नाम है, सुरेश जैन जी डायरेक्टर है, और 15 से हम लोग प्रतापगढ़ में शूट कर रहे हैं, उसमें 6 या 7 गाने इनके ही हैं और विनय बिहारी जी के।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.